हेलो फ्रेंड्स, स्वाद का खजाना में आपका स्वागत करते हैं। पालक का मौसम आ गया है। पालक के पकोड़े सर्दी के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आइए आज बनाते हैं बिल्कुल पार्टी वाले कुरकुरे पकोड़े। आवाज सुनिए, बहुत क्रिस्पी और करारे पकोड़े बनेंगे मिनटों में। वीडियो को पूरा देखें, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पकोड़े के लिए पालक ले लिया है और पत्तों को रफली चॉप कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप बेसन, किसी कटोरी से भी ले सकते हैं, 1/4 कप चावल का आटा, 1 बड़े साइज का प्याज, लच्छे में कटा हुआ हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, बस इतनी ही चीजों से ये पकोड़े बनेंगे और काफी स्वादिष्ट बनेंगे। बिना पानी ऐड किए हुए सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब इसको ढक के रख देंगे। गैस पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे, गरम होने देंगे। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे तेल। मैंने सरसों के तेल का यूज किया है। तेल को गरम होने देंगे। जब तेल अच्छा गरम हो जाए तो जिस शेप में, गोल गोल शेप में बनाना चाहते हैं, रोल के शेप में आराम से बन जाता है, उस शेप में बनाकर गरम तेल में डाल देंगे। जितने पकोड़े इस तेल में आ जाए उतने पकोड़े डालें। अब इनको पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा। बहुत झटपट से बनने वाले पकोड़े हैं। पकोड़ों को हाई फ्लेम पे डालेंगे और जब एक तरफ से पलट जाए तो गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, जिससे अंदर तक पक जाए। ये पकोड़े अच्छे सिक गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। बिल्कुल पार्टी वाले पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। अब इनको सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। ऐसे इजी और टाइम सेविंग रेसिपी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इन पकोड़ों को टमाटो सॉस और चाय के साथ एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई और इजी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।